യഹോവാ എലിയോൻ സൃഷ്ടികർത്ത മേരാ പിതാ ബൻ ഗയാ യഹോവാ എലിയോൻ സൃഷ്ടികർത്ത മേരാ പിതാ ബൻ ഗയാ അബ് തോ മേ സനത് ഹൂ അബ് തോ മേ मैंने बोला क्यों हम परमेश्वर का गुवाही को क्लियरली नहीं सुनते, क्यों हम कंफ्यूज दे? नंबर वन, हम कान लगाने के लिए, हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। वी आर नॉट गुड लिसनर्स। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाके बहुत बातों मुझसे कह रहे, हम अपने दुखों का क्या बोलते हैं, हाले गोनी खोल के बैठा है उधर, एक एक निकाल के दिखा रहे, प्रभु ये देखो वो देखो, हाले लुया। अब जरा कल्पना में देखो, बड़ा गोनी भर के भोज लेके हम आया और उस गोनी को पहले ही हम खोल दिया और बोल रहे प्रभु जी मेरा ये बेटा का समस्या है, ये मेरा बेटी का समस्या है। गोनी खोल के हम एक एक दिखा के, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, बात करके 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 बहुत बात करके आखिरी में आमीन बोल के हम उठ के चला जाते हैं। प्रभु ने बोला बेटा दो मिनट और रुको ना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था लेकिन तुम सुनने के लिए इंतजार किया नहीं, तूने क्या किया, एक गोनी खाली करके तुम वापस आमीन बोल के, एक गोनी खाली करके तुम वापस आमीन बोल के तुम चला गया। दो मिनट तुम शांति से मेरा आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाओ, दो मिनट मेरे लिए कान लगाओ। आई एम ट्राइंग टू स्पीक टू यू, मैं तुझे बात करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। हालेलुया। जब आप कान लगाएगा, देखो दाऊद के बारे में हम पिछले हफ्तों में सुना था, साम्स 39 में ही केप्ट क्वाइट, उन्होंने क्या किया, मुंह बंद करके बैठा, क्वाइट टाइम, ही केप्ट क्वाइट, शांति से बैठा, मुंह बंद करके बैठा। क्यों? उनको जानते जब मुंह बंद करके क्वाइटली बैठेगा, हालेलुया, एंड ही वॉज मेडिटेटिंग इनसाइड, है ना, अंदर ही अंदर क्या करते था, ध्यान करते था। व्हेन ही वॉज मेडिटेटिंग इनसाइड एंड ही केप्ट क्वाइट, क्या हो गया मतलब, परमेश्वर का आवाज वो सुनना शुरू किया। मैं बोलना चाहता हूं, सम टाइम वी वॉन्ट टू बी साइलेंट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, चुप रहना है। क्यों? क्योंकि उनका आवाज सुनने के लिए, उनका शब्द सुनने के लिए। काफी दिनों से हम बहुत बातों कर रहे हैं ना, लेकिन हम दौड़ा समय प्रभु का आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए परमेश्वर के वचन में क्या कहते हैं, मतलब तुम जादियों करते हुए इसे बकबक करना, जादियों करते हुए इसे तुम बकबक करना नहीं है, बकबक करने से तुम्हें उत्तर मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब है जादियों करते हुए इसे बकबक करना नहीं है। विश्वासियों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, दूसरे कुछ लोग होते हैं इसे, उनका सोच क्या है मालूम है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाके हजार बार बोलेगा तो परमेश्वर वो उसका सवाल उत्तर देने वाला है। परमेश्वर को हजार बार बोलने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर बहरा नहीं है। हेलो, परमेश्वर बहरा क्या? परमेश्वर बहरा है। अब हजार बार बोलो, लाख बार बोलो, हालेलुया, उत्तर मिलने वाला। वजन में स्पष्ट रूप में लिखा है तुम जादियों कर रहे जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में जाके बकबक करना, बकबक करने से तुझे उत्तर मिलने वाला नहीं है। मतलब जितना बार आप दौरा के एक विषय बोला उसे आपको उत्तर मिलने वाला नहीं है। काफी लोगों की गलती हुई है, वही बोल के दौरा के बैठा है। तो अगर आपका और परमेश्वर का बीच में जो रिश्ता करेक्ट है तो एक ही बार बोलेगा तो परमेश्वर सुन के उत्तर देने वाला है। तो अच्छे मेथड क्या है मालूम है? हालेलुया। बकबक करना बंद करके हम परमेश्वर को अपना संकट, अपना निवेदन, अपना प्रार्थना बिंदियों उनको हुजूरी में रखे, हमें शांति के साथ में कान लगाना है, वो वापस क्या कहना चाहता, इन रिटर्न व्हाट ही इज आंसरिंग। हालेलुया। परमेश्वर जब उत्तर देगा अब सुनने वाला है।
नतीक सुसमाचार छठो अध्याय में लिखा है तुम जारियों जैसे क्या करना नहीं है, बकबक करना नहीं। मत्ती चैप्टर 6 यीशु का पहाड़ी प्रभाषण का एक भाग है, सर्मन ऑन द माउंट, सर्मन ऑन द माउंट। अंग्रेजी में लिखा है डू नॉट कीप ऑन बाबलिंग। बाबलिंग का मतलब आपको बाबलेट सुना है आपने ना, बाबलेट्स। बाबलेट्स का मतलब क्या है, बिना मतलब बात करने वाला लोग। ऐसे ही उनका मुंह बंद होने वाला नहीं है, जैसे चिड़िया जैसे हमेशा क्या करे कुछ ना तो कुछ। बाबलेट्स मीनिंगलेस शब्दों हमेशा उनका मुंह से। सो इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड यू शुड नॉट बी ए बाबलर, उसका अर्थ वही है, यू शुड नॉट बी ए बाबलर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपका बाबलिंग मतलब बोल बोल के ना, जैसे इंपोजिशन लिखते वैसे बार बार लिखे 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 बोल बोल के। हालेलुया, मैं बोलना चाहता हूं उससे उत्तर मिलने वाला। फिर कैसे उत्तर मिलने वाला है, आगे उनका सोच क्या है मालूम है, उनका बहुत बोलने से क्या करने वाला है, उत्तर मिल जाएगा। हाँ हाँ, हेलो, उनका समान तुम मत बन जाओ ना। तेरा और परमेश्वर का बीच में एक रिश्ता है। क्या रिश्ता है, परमेश्वर तेरा पिता है, परमेश्वर तेरा। अगर परमेश्वर तेरा पिता होते तो तुम मांगने से पहले उसको जानते तेरा जरूरत क्या है। बार बार बोलने का जरूरत नहीं है, एक ही बार बोलो प्रभु ने क्या करेगा, आंसर देने वाला है। तो अपना प्रार्थना का जवाब हम ज्यादा बोलने से नहीं मिलते, मगर अपना रिश्ता कितना मजबूत है उससे मिलते। मैं अभी आपको पूछना चाहता, क्या रिश्ता आपका मजबूत है परमेश्वर के साथ में? अगर परमेश्वर के साथ में रिश्ता मजबूत है तो हालेलुया, आपका जरूरियों को उनका उनका उपस्थिति में रखे। वचन में बताया है आपका निवेदन, आपका बिंदियों धन्यवाद के साथ में उनको उपस्थिति में रखना है ना, समर्पण करना है, रखे। फिर क्या करना है, शांति से बैठना है, बी स्टिल, गॉड इज इन वर्क, हालेलुया। चुप रहो, प्रभु कार्य कर रहे, हालेलुया, प्रभु कार्य कर रहे, प्रभु काम करने वाला है, क्योंकि वो अपना पिता है। तो मैं आपको एक एक बात बता के देना चाहता हूं, जातियों का सोच क्या है, ज्यादा बोलने से उत्तर मिलेगा करके वो लोग सोचते, लेकिन तुम और तेरा परमेश्वर के बीच में अच्छा रिश्ता होते तो तुम एक ही बार बोलो, परमेश्वर उत्तर देने वाला है। तो मांगने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा मालूम है, हमें परमेश्वर के साथ में रिश्ता बनाना पड़ेगा। हालेलुया, कितना लोग सुना, आप ऐसे कितना लोगों को प्रभु के साथ में एक अच्छा रिश्ता है। इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, अगर आपको उस जो कॉन्फिडेंस है, हालेलुया, वचन में लिखा है आप ही आओ बांध के उनका अनुग्रह का सिंहासन का निकट जा सकते, ही आओ बांध के अनुग्रह का सिंहासन का, डर डर के ना। इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस, क्या कॉन्फिडेंस है, आई हैव ए पर्सनल रिलेशनशिप विद द किंग, राजा उसका दरबार में उसका सिंहासन में बैठाए, उस सिंहासन का नाम है अनुग्रह का, परमेश्वर का सिंहासन का नाम क्या है मालूम, अनुग्रह का सिंहासन, द थ्रोन ऑफ ग्रेस। क्यों मैं इसे नाम दिया है मालूम है, वो करुणा का सिंहासन है। क्यों मैं इसे नाम दिया मालूम है, क्योंकि उस सिंहासन के पास कोई भी गया उसके ऊपर अनुग्रह करुणा, हालेलुया, प्रभु ने उठे लाए, उसके अनुग्रह का सिंहासन के पास जो भी पहुंचा वो अनुग्रह पाके लौटाए, वो करुणा पाके लौटाए, हालेलुया। When you approach the throne of grace, can you visualize it? आपको मन के दर्पण में कल्पना में क्या देख पाऊंगा, क्या उसके अनुग्रह का सिंहासन में राजाओं का राजा महाराजा है ना, यीशु राजा कहां बैठा है, उसका दरबार में उसका अनुग्रह का सिंहासन में बैठा है। राजा का दरबार में कोई ऐसे भाग के जा नहीं पाऊंगा, जा पाऊंगा क्या, नहीं। लेकिन वचन में क्या लिखा है मालूम है, इब्रानियों का किताब में 4 का आखिरी वचनों पढ़िए, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के, कैसे जाएगा, हियाव बांध के चलेगा,
हम पर दया हो. एनी टाइम आवश्यकता का समय हमारा सहायता करे. कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है, एनी टाइम ऑफ यूर नीड यू कैन अप्रोच द थ्रोन ऑफ ग्रेस. देयर इज नॉट टाइम रिस्ट्रिक्शन. आपको अनुग्रह का सिंहासन के निकट जा पाऊंगा. वो भी कैसे जा पाऊंगा? हियाव बांध के, विथ कॉन्फिडेंस. व्हाई यू हैव दैट कॉन्फिडेंस? बिकॉज द किंग इज योर फादर. हालेलुया. फ्रॉम वेयर यू गॉट दैट कॉन्फिडेंस? कहां से आपको यह हिम्मत मिला? हेलो, ऐसे कोई भी सीधा भाग के राजा का ना सिंहासन के पास जाने वाला नहीं है. परमिशन नहीं मिला तो, परमिशन नहीं मिला तो क्या होने वाला है? उसका जान खतरे में जाने वाला है. सही है ना? हेलो. लेकिन इधर क्या हो रहे? इधर देखो, महाराजा का सिंहासन के निकट हम कैसे भाग के आया है? हिया बांध के. क्यों? क्योंकि हम उनके साथ में एक रिश्ता जोड़ा है. अभी हम उसको कौन बुला रहे? पिता बुला रहे. तो मांगने से पहले क्या करना पड़ेगा? पिता बनाना पड़ेगा. यीशु ने जो सिखाया प्रार्थना में, क्या सिखाया मालूम है? जब परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, इसे प्रार्थना करो, हे मेरा स्वर्गीय पिता. तो पिता बुलाना चाहते तो पहले पिता बनाना पड़ेगा. हेलो. रास्ता में जाने वाला किसी को भी आप जाके दाढ़ी बुला नहीं पाओगे. बुला पाओगे क्या? हालेलुया. रास्ता में कोई एक अच्छा व्यक्ति को देखा है ना, अच्छा कपड़ा पहना है ना, एक जेंटलमैन लुक है, हम जाके दाढ़ी बुलाए, आपको मार मिलेगा. हालेलुया. लेकिन आपका सही में दाढ़ी है तो आपका कुछ टेंशन नहीं है. कभी भी जाके, कहां भी जाके, किसी का सामने भी बोल पाओगे, मेरा दाढ़ी है, ये मेरा दाढ़ी है. इसलिए हे मेरा स्वर्गीय पिता, ऐसे बुलाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? रिश्ता बनाना पड़ेगा, उनको पिता बनाना पड़ेगा, पिता बनाना पड़ेगा. हालेलुया. मैं एक छोटा उदाहरण बोल के आज बंद करना चाहता. मैं जो वजन लिया, उस वजन में अभी तक मैं आ नहीं पाया. हालेलुया. नोइंग द विल ऑफ गॉड, आई एम बॉर्न विद अ पर्पस. प्रभु ने एक उद्देश्य के साथ में क्या किया, मुझे धरती में भेजा है. उस उद्देश्य जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, उसका अनुग्रह का सिंहासन के पास जाके बोलना पड़ेगा, प्रभु मुझसे बात करो, मैं कान लगाने के लिए, मैं सुनने के लिए तैयार है. प्रभु बात करेगा. बार बार बोलने से उत्तर मिलता नहीं है, मगर क्या करना पड़ेगा? रिश्ता अच्छा बनाना पड़ेगा. स्वर्ग का परमेश्वर आपका पिता बनना पड़ेगा. परमेश्वर बोलेगा तो उस जो रिश्ता बहुत दूर है, लेकिन पिता बोलेगा तो बहुत करीब का रिश्ता है. काफी लोगों के लिए गॉड इज जस्ट है ना, एक परमेश्वर है. बहुत लेवल डिफरेंस है, लेवल डिफरेंस. परमेश्वर उधर स्वर्ग में बैठा है, मैं इधर धरती में. मैं बहुत छोटा, परमेश्वर बहुत बड़ा. लेकिन वचन में क्या लिखा है मालूम है? यीशु मसीह के द्वारा इस लेवल डिफरेंस को तोड़ा. हैव यू एवर रेड दैट इन एफेसियन चैप्टर 2? इट इज रिटन. हालेलुया. बीच में जो दीवार था, उस दीवार को कौन तोड़ा? और उन्होंने दोनों को क्या किया? मेल मिलाप किया. दोनों को मतलब मैं इसे कहना चाहता हूं, पिता परमेश्वर से इंसान बहुत दूर चला गया था. हेलो. लेकिन यीशु बीच में आ गया. उन्होंने जो सेपरेशन का दीवार को, यू वर गट सेपरेटेड, आपने आपने परमेश्वर से दूर चला गया था. बहुत लेवल डिफरेंस था. गॉड इन हेवन एंड यू आर इन द इन इन हियर इन अर्थ. हालेलुया. परमेश्वर स्वर्ग में और आप नीचे धरती में, कितना लेवल डिफरेंस है. हाँ, मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू का द्वारा कैसे हो गया? निकट हो गया. हाँ, अलग करने वाला दीवार को. हालेलुया. कितना लोगों को समझ में आया? देयर वॉज अ वॉल इन बिटवीन मैन एंड गॉड. समथिंग वॉज सेपरेटिंग अस, बट व्हाट जीसस डिड यू नो, ऑन द क्रॉस ऑफ कालवरी ही डिमोलिश दैट वॉल ऑफ सेपरेशन. कलवार के क्रूस में उन्होंने हमें और परमेश्वर से अलग करने वाला उस दीवार को तोड़ दिया.
दोनों पक्ष को उन्होंने एक बनाया. द मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलेशन, मेल मिलाप किया. बोला मेल मिलाप. मेल मिलाप का मतलब मालूम है ना, रिकंसिलेशन. दो लोग झगड़ा, दो लोगों का झगड़ा हो गया है, आपस बात करता नहीं है, बीच में कोई एक व्यक्ति आया, दोनों को क्या किया है, एक कर दिया, मेल मिलाप लाया, रिकंसिलेशन. हालेलुया. वी आर रिकंसिल्ड विद गॉड, वी आर रिकंसिल्ड विद आवर क्रिएटर. अपने सृष्टिकर्ता के साथ में अपने मेल मिलाप हो गया. समझ में आ रहे हैं ना आपको. पाप करने की वजह से परमेश्वर से दूर चला गया, रिश्ता टूट गया हमें. कैसे? यीशु का लहू का द्वारा, कलवार के क्रूस में बहाए पवित्र लहू का द्वारा उन्होंने मेल मिलाप किया. He reconciled our life with God. Hallelujah. He reconciled our relationship with God. हमें परमेश्वर के साथ में क्या किया, मेल मिलाप. इसलिए आप क्या कह पाओगे बोलो, परमेश्वर को पिता बुला पाओगा. Hallelujah. Are you reconciled with God? क्या परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप पाया वो व्यक्ति है? कैसे मेल मिलाप? यीशु का द्वारा. So before asking, ऐसे पूछने से पहले, क्या पूछने से, प्रभु आपका रास्ता मुझे दिखा दो, हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के साथ में रिश्ता अच्छा बनाना है. एक छोटा उदाहरण मैंने बताएगा. राजा का दरबार में आपको जाना है. राजा का दरबार में जाने से पहले आपको राजा के साथ में अच्छा रिश्ता होना चाहिए. अच्छा उदाहरण एस्तेर का किताब में है. एस्तेर का किताब का कहानी आपको जान दे ना. एस्तेर रानी थी, लेकिन हमेशा उनको राजा के पास जा नहीं सकते था, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल रहते था, है ना. लेकिन ऐसे एक समस्या आया, एस्तेर रानी का जो कुल, उसका जो वंश होते, उसका विरुद्ध में बहुत बड़ा षडयंत्र बनाया था. तो रानी का मामा है ना, अंकल, उनके पास आके कहा, देखो अपना कुल, अपना वंश बहुत बड़ा खतरे में, तुमको जाके राजा का करुणा मांगना पड़ेगा. तो रानी ने क्या कहा मालूम है, देखो अगले 6 महीने में मेरा एक भी अपॉइंटमेंट नहीं है राजा के पास. कौन है? रानी है. वो जमाने का सिस्टम आपको जानते हैं, क्योंकि राजा के पास बहुत सारा पत्नियों होते हैं. तो राजा ने लिस्ट बना के रखा है, ये हफ्ते में कौन मेरा साथ में महल में रहेगा. तो इस तरह रानी का टाइम तो खत्म हो गया, अभी उनका टर्न आने के लिए काफी महीना, आपको ये समझना है. तो एस्तेर को मोर्देकाई, उनकी अंकल ने जाके कहा, कैसे भी तुम राजा को जाके मिलना पड़ेगा. उन्होंने बोला मैं जा नहीं पाऊंगा, मैं जाएगा तो मेरा जान खतरे में. फिर भी उन्होंने क्या कहा मालूम है, उन्होंने कहा तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करो, एक उपवास रखो, मैं भी उपवास में बैठेगा. उपवास में बैठ के प्रार्थना करके, जब सारे प्रजा प्रार्थना करेगा, क्या लिखा है उधर मालूम है, एस्तेर ने क्या कहा मालूम है, एस्तेर ने बोला नहीं समस्या हट जाने के लिए प्रार्थना करो, एस्तेर ने बोला सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना करो. हेलो, है ना, इसे बोला, क्योंकि मैं राजा के पास अभी महल में जाने वाला है, राजा का फेवर मेरा ऊपर होने के लिए, राजा का अनुग्रह मेरा ऊपर होने के लिए, राजा मेरे ऊपर गुस्सा ना करने के लिए मेरे लिए क्या करो. सो एवरीवन वाज फास्टिंग फॉर एस्तेर, बिकॉज एस्तेर कौन है, एस्तेर एक वे है. इस समस्या का एक सॉल्यूशन किसका द्वारा होने वाला, एस्तेर का द्वारा. तो इस जो समस्या में इंटरवेन करने वाला व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना. इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मसीह मंडली को मदद करने वाला कोई भी व्यक्ति है तो उनके लिए हम क्या करना है, देयर मे बी सम पीपल हु आर इन फेवर ऑफ अस, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रे फॉर दैट पीपल, सो दैट उन्होंने जब अपने लिए काम करेगा क्या होने वाला है, राजा का फेवर हमें मिलने वाला है. समझ में आए ना आपको. हालेलुया. क्या लिखा है उधर मालूम है, एस्तेर बोला मेरे लिए प्रार्थना करो. व्हाइल द पीपल वर प्रेइंग, पहले बार एस्तेर ने राजा का दरबार में गया, परमिशन नहीं है, जा नहीं सकते. लेकिन वचन में क्या लिखा है मालूम है, बट शी गॉट, हालेलुया, एन अनडिसर्विंग फेवर. हालेलुया. योग्यता नहीं है, वैसे एक करुणा राजा से मिला. राजा इनकी शक्ल को दरवाजे का उधर फाटक का उधर देखा, राजा ने क्या किया मतलब उनकी हाथ में जो राजदंड होते, हालेलुया, उस राजदंड को एस्तेर की ओर बढ़ाया.
इसका मतलब क्या है मालूम है? राजा ने राजदंड बढ़ाया, इसका मतलब राजा उनको एक्सेप्ट कर रहे, ओके यू कम इनसाइड, हालेलुया। उन्होंने जाके उस राजदंड में, हालेलुया, उन्होंने छुआ। आज मैं कहना चाहता हूं, अगर रिलेशन अच्छा है तो परमेश्वर भी उसका हो, हालेलुया, अधिकार का राजदंड आपके ऊपर बढ़ाने वाला है। गो एंड टच इट, परमेश्वर उसका राजदंड आपके ओर बढ़ाएगा। क्या करना है? जाके उसको छू लो। एस्तर किस काम के लिए आए? उनका वंश को बचाने के लिए, उनकी कुल के लिए रिकमेंड करने के लिए आया। राजा ने पूछा, ए एस्तर तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए? एस्तर ने सीधा बताया कि मेरा कुल बहुत बड़ा डेंजर में, आप मुझे बचाओ। बोला नहीं। एस्तर को जानते, पिछले काफी महीनों से मैं इस व्यक्ति से बात नहीं किया, मेरा और इसका बीच में रिलेशन अभी उतना सॉलिड नहीं है। सो बिफोर आस्किंग आई वॉन्ट टू बिल्ड अ रिलेशन, कुछ मांगने से पहले मैं क्या करना पड़ेगा, उनके साथ में एक अच्छा रिश्ता। इसलिए एस्तर ने क्या कहा मालूम है? राजा ने और कुछ नहीं मांगते, अब मेरा घर में कल रात को क्या करे, भोजन के लिए आ जाओ। हेलो, व्हाई शी डिड दैट? यू नो, शी नो दैट बिफोर आस्किंग एनीथिंग शी हैव टू बिल्ड अ रिलेशन विद द किंग। जल्दबाजी में जाकर सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए मेरा विषय यही है, बोलेगा तो आंसर मिलने वाला। इसलिए एस्तर ने बुलाया इनको। अगले दिन राजा उनकी घर में क्या किया, भोजन के लिए गया। राजा ने उस घर में तभी भी पूछा, आपको क्या मांगते हैं? इस देश का आधा चाहिए तो भी मैं देने वाला है ना, देश का आधा तुम्हें चाहिए तो भी मैं देने वाला है। एस्तर ने क्या तुरंत आंसर दिया क्या? एस्तर ने चुप रहा। एस्तर को मालूम पड़ा देखो टाइम हुआ नहीं, और रिलेशन अच्छा बनाना है। एस्तर ने बोला, नहीं और कुछ नहीं मांगते, कल भी मेरा घर में आ जाओ ना। हेलो, यू नो द मीनिंग? शी वॉज ट्राइंग टू बिल्ड द रिलेशनशिप। रिश्ता को क्या कर रहे? रिश्ता को वापस बना रहे। क्या कहा मैंने? पूछने से, मांगने से पहले उन्होंने क्या किया, एक रिश्ता अच्छा बनाया। दोबारा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा और एक बार आ जाओ, और उसके बाद में उन्होंने मांगा। मैं आप सबको कहा के देना चाहता हूं, अब राजा से कुछ मांगने से पहले उनके साथ में एक अच्छा रिश्ता बनाओ। हेलो, रिश्ता नहीं बनाएगा तो आप हजार बार मांगेगा कुछ मिलने वाला। रिश्ता अच्छा जोड़ा जब परमेश्वर आपका पिता बन गया, जो दरबार में सिंहासन में बैठा है, कौन बैठा है? आपका पिता है। आपको किसी का हालेलुया हो हालेलुया परमिशन का जरूरत नहीं है। ही आओ बांध के अब उस अनुग्रह का सिंहासन का निकट जा सकते। आज तक आपने शायद परमेश्वर का योजना का रास्ता में चल नहीं पाया होगा, लेकिन गॉड इज रेडी टू रिकंस्ट्रक्ट, गॉड इज रेडी टू रीमोल्ड योर लाइफ। प्रभु आपका जिंदगी को, कितना लोग बोलेगा प्रभु जी मेरा जिंदगी को रीमोल्ड करो। चैप्टर 19 में क्या देख पाऊंगा मालूम है? अगेन गॉड सेंड हिम टू द पॉटर्स हाउस, कुवार का घर में, कुवार का घर में परमेश्वर वापस जर्मिया को भेजा और उनको कहा, देखो ऐसे बर्तन लेके आ जाओ, जो बर्तन पूरा काम पूरा हो गया है। बर्तन का काम कैसे पूरा होते मालूम है? कुमार उस बर्तन को बनाने के बाद में अग्नि के चूल्हा में डाल के क्या करेगा, उस बर्तन को तैयार करेगा, फाइनल करेगा। एक बार उस बर्तन को अग्नि के चूल्हा में डाल के फाइनल बनाया, फिर उसको तोड़ के बना नहीं पाऊंगा, बना पाऊंगा क्या? चैप्टर 18 एंड चैप्टर 19, लेट मी डू ए कंपैरिजन। चैप्टर 18 में वी कैन सी ए वेसल विच इज सॉफ्ट इनफ टू रीमोल्ड। हेलो, विच इज सॉफ्ट इनफ टू रीमोल्ड। इन चैप्टर 19 वी कैन सी ए वेसल, हालेलुया, विच इज हार्ड एंड विच कुड नॉट बी एबल टू रीमोल्ड। माय क्वेश्चन, आर यू सॉफ्ट इनफ टू गेट रीमोल्डेड? हेलो, क्या आप नरम है वापस बनाने के लिए और कड़क बन गया? 18वां अध्याय में एक नरम बर्तन को हम देख पाऊंगा, जिसको मालिक ना तो सृष्टिकर्ता ना तो कुमार द पॉटर कैन रीमोल्ड। हालेलुया, कुमार वापस बना पाऊंगा वैसे एक नरम। 19वां अध्याय में एक कड़क बर्तन, कोई भी कोशिश करो ये बदलने वाला, हालेलुया, अगर अगर तोड़ने के लिए कोशिश करेगा तो वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। आपको पूछना चाहता हूं, आपका दिल आज सुबह कैसे,
आपका दिल आज सुबह कैसे है? डू यू हैव अ सॉफ्ट हार्ट और अ हार्ड एंड स्टबॉर्न हार्ट? हालेलुया। लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन अगेन, मैं आपको और एक बार उसी क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आपका दिल कैसे है? आपका दिल कैसे है? इज इट सॉफ्ट इनफ टू गेट रिमोल्डेड? और आप एक स्टबॉर्न हार्ट का क्या बोलते हैं? स्टबॉर्न हार्ट। कुछ लोग इसे आई विल नॉट लिसन एनीबडी, आई नो व्हाट टू डू। लेट मी टेल यू अ फैक्ट माय डियर चर्च, इफ यू आर अ गुड लिसनर, इफ यू आर रेडी टू लिसन गॉड एंड इफ यू आर रेडी टू चेंज योर लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज विल, देन ओनली हालेलुया। आपका स्टबॉर्ननेस क्या करना है अंदर से? ऐसे आज सुबह कहो प्रभु जी मेरे दिल को नरम बना दो। एवरी आईज क्लोज्ड एंड यू प्रे लॉर्ड गिव मी अ सॉफ्ट हार्ट, बदल पाऊंगा वैसे दिल मेरा। दाऊद ने क्या कहा मालूम है? दाऊद ने कहा मेरे अंदर एक नया हृदय को उत्पन्न करो, बनाओ, क्रिएट अ न्यू हार्ट इनसाइड मी। एज़ेकियल चैप्टर 36 में क्या कहा मालूम है? आई विल गिव देम अ न्यू हार्ट, आई विल गिव देम अ न्यू हार्ट, मैं उनको एक नया दिल देगा। कैसा दिल है? पहले का दिल पत्थर जैसे दिल था, पत्थर जैसे दिल, लेकिन अभी मैं देने वाला दिल दैट विल बी अ सॉफ्ट वन, एक नरम हृदय। हालेलुया, एक मुलायम हृदय। मैं क्या करने वाले उसके अंदर? हालेलुया, एक मुलायम, एक नरम हृदय मैं उसके अंदर बनाने वाला है। पहले का दिल स्टोन पत्थर जैसे था, मैं कुछ भी बोलेगा तो सुनने वाला नहीं था, लेकिन अभी मैं एक नया दिल। हरान को बंद करके बोलो प्रभु जी क्रिएट अ न्यू हार्ट इनसाइड मी, सो दैट हालेलुया मेरा जिंदगी को अब तोड़ के मोड़ के वापस बना पाऊंगा। कैसे बना पाऊंगा? आपका इच्छा के अनुसार। आंखों को बंद कर दीजिए, हाथों को स्वर्ग को बढ़ाइए। हालेलुया, ऐसे प्रार्थना करो प्रभु जी मेरा जिंदगी को आपने आपका इच्छा का रास्ता में चलाइए। प्रभु जी मैं आपका आवाज सुनना चाहते, मैं आपका रास्ता में चलना चाहते, मेरा मर्जी नहीं है आपके मर्जी में मैं चलना चाहते, परिपूर्ण रूप में मेरा जिंदगी को समर्पण करते हैं। एक मुलायम, एक सॉफ्ट हृदय मेरा अंदर उत्पन्न करो प्रभु जी, बनाओ प्रभु जी मेरा हृदय का जो हालेलुया पत्थर समान, जो अवस्थाओं को बदल कर आपका आवाज सुनने के लिए, आपका इच्छा जानने के लिए, एक वार का हाथ में मिट्टी जैसे हालेलुया जो वापस तोड़ के मोड़ के बना पाऊंगा, वैसे सॉफ्ट मिट्टी जैसे मुझे समर्पण करते हैं। अब मेरा ऊपर कार्य कर दीजिए, मेरा जिंदगी को बदलो, मेरा स्वभाव को बदलो, मेरे आदतों को बदलो। हालेलुया, आपके हाथों में मुझे समर्पण करते हैं प्रभु जी। ऐसे अपने किया बोल के धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।